लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। टूर एंड हॉलीडे पैकेज के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपी को इंदौर क्राइम ब्रांच और पलासिया पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी इग्निटर क्रॉप सर्विस कंपनी खोलकर लोगों से टूर हॉलीडे पैकेज के लालच देकर उनसे मोटी रकम लेकर धोखाधड़ी करता था। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। इंदौर क्राइम ब्रांच और पलासिया पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पलासिया थाना क्षेत्र स्थित इग्निटर सर्विस कंपनी पर छापामार कार्रवाई करते हुए कंपनी के मालिक जिग्नेश को गिरफ्तार किया है। आरोपी लोगों को अलग अलग इवेंटों के नाम पर घर पहुंचकर टिकट बेचने का लालच देकर उनसे मोटी मोटी रकम ऐंठता था। वही क्रिकेट मैच हो या आने वाला आईफा अवार्ड, और इन सभी का आरोपी पीड़ितों को लालच देता था और उनसे मोटी रकम लेता था। पीड़ितों ने पलासिया पुलिस को शिकायत की थी, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने मामले को लेकर जांच की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने 50 से अधिक लोगों को ठगा है, जिसमें कुछ कपल भी शामिल हैं, जो कपलों को भी हनीमून के नाम पर अपना शिकार बनाता था। फिलहाल में पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। इसकी शिकायत की गई थी, जब इसको चेक किया गया तो फिर इसमें यह पाया गया कि ये लोग टूर्स एंड ट्रेवल्स के नाम पर इनको पैकेज देते हैं, पैसा इनसे ले लेते हैं, जिसमें पैसे की जो राशि है वो 50,000 से लेकर 70,000 तक है, जो अभी तक हमारे पास आवेदक आए हैं। तो इनको ये बताया जाता है कि 21 दिन और रात के लिए आपको आउट ऑफ इंडिया आपको टूर कराया जाएगा। 3 साल के अंतर्गत गोल्ड जिम है, वहाँ आपको गोल्ड जिम में आपको 3 साल के लिए मेंबरशिप फ्री की जाएगी, कपल्स के लिए, पति पत्नी के लिए। इसके अलावा आपको जो भी इवेंट होगा इंदौर में, जिस चाहे वो क्रिकेट मैच हो या फिर कोई बड़ा जो स्टार आता है उसका जो आएगा, तो आपके घर पर ही टिकट पहुंच जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें कई तरह की और भी जो प्रलोभन दिया जाकर इनको आवेदकों को इनसे पैसे जमा कराए जाते थे, और पैसा जमा कराए जाने के बाद फिर इनके फ़ोन ना उठाना और फिर या फिर उनके पैसे वापस ना करना, और किसी प्रकार की कोई भी जो इनके द्वारा प्रोमिसेज की गए हैं वो किसी भी प्रोमिसेज को पूरा ना करना, ये पाया गया इसमें। अभी फिर उसके बाद कल ऐसी खबर मिली थी कि ये लोग ऑफिस को बंद करके भागने वाले हैं, तो चूंकि इनके जो ऑफिस के ही कर्मचारी थे वो लोग तत्काल थाने आए थे, और थाना प्रभारी पलासिया विनोद दीक्षित से उन्होंने संपर्क किया, तो वहाँ पर जो लोग भागकर जाने वाले थे तो तत्काल उनको राउंड अप किया गया और उसकी तलाशी ली गई। उसके जो कंपनी का संचालित है, बेसिकली ये जो कंपनी का नाम है इग्नाइट कॉप सर्विसेज, तो इसमें चूंकि हमारी टीम जो ऑनलाइन फ्रॉड की टीम है, जिसमें शेर से यादव सब इंस्पेक्टर, वो ऑलरेडी इसमें पहले से ही काम कर रहे थे, और जब पता चला कि भागने वाली है, तत्काल थाना प्रभारी अपराधिया के द्वारा इसमें एक्शन लिया जाकर उसको सीज कराया गया और आरोपी को हिरासत में लिया कर पूछताछ की गई। तो इसमें ये इस तरह के तथ्य आए हैं। फिर उसके बाद इनके जो यहाँ काम करने वाले हैं, जो टेलीकॉलिंग करते हैं, फ़ोन करके कस्टमर केयर वाले हैं, कस्टमर केयर का बन के इनको प्रलोभन देते हैं, उन सब लोगों ने शिकायत की कि उनको 2 महीने से पैसा नहीं मिला है। ये बेसिकली तो इसमें आरोपी जिग्नेश इसमें आरोपी पाया गया है, इसके खिलाफ केस रजिस्टर्ड आईपीसी के विभिन्न सेक्शंस में केस रजिस्टर्ड कर दिया गया है। इसके अलावा आईटी एक्ट की भी धारा इसमें एविडेंस के साथ इसमें जुड़ जाएंगी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।